नमस्कारम। नमस्कारम पवन। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर है, और बहुत सारी मानसिक शारीरिक समस्याएं पैदा हो रही हैं मनुष्य के जीवन में। तो किस तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखी रहा जा सकता है? पूर्ण रूप से सुखी और स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जिसका शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो। जब ये शरीर, मन और बुद्धि ये सात्विक होने लगते हैं तो व्यक्ति सुखी होने लगता है। ऐसे कोई शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत अच्छे एक्टर थे, पर्सनालिटी उनकी कितनी अच्छी थी, लेकिन मन से कोई उन्हें ऐसा कष्ट हुआ कि उन्होंने आत्महत्या जैसा एक कुकृत्य किया। तो यदि शरीर देखने में खूब अच्छा है और मन यदि शुद्ध नहीं है तो फिर व्यक्ति सुखी नहीं है। और मन शुद्ध होने के साथ में बुद्धि भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे यदि हम रावण को ही ले लें तो रावण बहुत विद्वान था और बहुत अच्छा साधक था, भगवान शिव उसके आराध्य थे, लेकिन उसकी बुद्धि में गड़बड़ी पैदा हो गई और बुद्धि की गड़बड़ी के कारण से उसने खुद विनाश किया अपना और संपूर्ण लंका का भी विनाश किया। तो शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों स्वस्थ होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत सुखी जीवन होगा। मेरा इसी संबंधित एक क्वेश्चन और है कि मन, शरीर और बुद्धि को किस तरह से हम सात्विक स्वस्थ बना सकते हैं? शरीर को शुद्ध बनाने के लिए हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, और उस आहार को लेने में कितना गैप होना चाहिए अंतराल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भोजन को हर 2 घंटे 3 घंटे में करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं पाएगा और वो तमाम तरीके की बीमारी हमारे भीतर पैदा करेगा। तो सात्विक आहार में जो हरी सब्जियां हैं, जूस हैं, वो हम ले सकते हैं, मतलब जो भी पृथ्वी से, धरती से पैदा होते हैं, अनाज हुए, फल हुए, सब्जियां, हाँ ये हम ले सकते हैं, और हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना है। इसमें क्या है, जो मांसाहारी भोजन हम करते हैं तो जिस प्रकार का वो जीव है उसका खून हमारे भीतर आएगा, और फिर खून के कारण से उसमें जो गुण दोष हैं वो हमारे भीतर आने लगेंगे। मन को शुद्ध रखने के लिए हमें सात्विक विचार और सात्विक भावनाएं अपने भीतर पालनी है। बहुत सारे विचार और ऐसी भावनाएं आती है ना, किसी के प्रति दोष उत्पन्न हो गया, किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया, हम किसी के बारे में हिंसा के विचार सोच रहे हैं कि उसको हम उस दिन ऐसे पीटेंगे, तो ये सब विचार हमें नहीं करने हैं। इनकी जगह पर हमें ऐसे विचार करने हैं कि उस व्यक्ति का हम कैसे भला कर सकते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, हम इस समाज का कैसे भला कर सकते हैं। जब इस तरह के विचार और भावनाएं हम करने लगेंगे तो हमारा मन शुद्ध होने लगेगा। और हमें मन को ऐसा आहार नहीं देना है जिनसे हमारे विचार और भावनाएं अपवित्र होती हों। बहुत तरीके के आज ऐसे साधन हैं जो हमारे विचार और भावनाओं को दूषित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और उसमें कुछ ऐसे चलचित्र देखते हैं जिनके माध्यम से हमारा जो मन है वो दूषित हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का बाहरी आहार जो मन को दूषित करता है उसे हमें नहीं लेना है। और मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा साधन बन सकता है। तो हम ध्यान करेंगे तो हम विचारों को देखने लगेंगे, भावनाओं को देखने लगेंगे, और उनको देखने से जो गलत भावनाएं विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो हम समझने लगेंगे। तो जब हम उन्हें समझने लगेंगे तो अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार हम अपने मन को देने लगेंगे, उससे मन शुद्ध होने लगेगा। और जो तीसरा है बुद्धि, उसको हमें शुद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारे पास में सामर्थ आ गया, हमारे पास में साधन आ गए, शक्ति आ गई,
और हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो फिर वो बुद्धि हमें रावण बना देगी। क्योंकि रावण क्या करता है, रावण हर चीज को पाना चाहता है, हर चीज को अपने तरीके से करना चाहता है। और ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसके जीवन में सभी तरह की मनचाही होती हो। चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो, कुछ अनचाही उसके जीवन में भी होती है। तो जो भी अनचाही हो रही है या मनचाही हो रही है, उसमें हमें अपनी बुद्धि को समता की स्थिति में रखनी है। जब हमारी बुद्धि भेद करने लगती है, जब हमारी बुद्धि बांटने लगती है, तो वही बुद्धि हमारे लिए खतरा पैदा करने लगती है। और वही बुद्धि जब सत्य तक पहुंचाने के लिए हमें मार्ग दिखाने लगती है, तो वही बुद्धि हमारे लिए वरदान बनने लगती है। इसलिए हमें इस शरीर को शुद्ध रखना है, इस मन को शुद्ध रखना है, और मन के साथ में हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना है। और जब हमारा शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों पवित्र होते हैं, ये एक रूप में काम करने लगते हैं, तो यही हमें सुखी और आनंदमय जीने के साधन बन जाते हैं। धन्यवाद।